हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट्स। इसका लेक्चर नंबर 1 है, जिसके अंदर हम लोग समझेंगे। पहली हेडिंग है, अगर सिलेबस हम लोगों के पास है, सर उन्होंने देख लिया है, जिसमें हम समझेंगे कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन के बारे में, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ, और उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। यही पहली हेडिंग है। चले आगे स्टार्ट करें। ओके, तो देखो ये क्या कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, जिसके अंदर पढ़ रहे हैं, हेडिंग हमको समझ में आती है, तो कह रहा है कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्राइमरली प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स। मेनली कौन पैदा करता है कार्बोहाइड्रेट को? प्लांट्स पैदा करते हैं ना। कौन प्रोड्यूस कर रहा है? प्लांट्स। एंड फॉर्म अ वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितना भी इस दुनिया में ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है। क्लियर है? सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर केन शुगर, है ना, गन्ने से चीनी मिल रही है, ग्लूकोज, स्टार्च, सबने सुन रखा होगा शायद ही, कोई ऐसा होगा? ऐसा कोई होगा नहीं। ये तीन शब्द सबने सुन रखे होंगे, ठीक है ना, कॉमन एग्जाम्पल है ना। हमारे जो टेबल पे, टेबल मतलब जो हमारे घरों में चीनी होती है, सक्रोज है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट है। मोस्ट ऑफ देम हैव जनरल फॉर्मूला। ज्यादातर अगर आप किसी को समझाएं जो ज्यादा बातें नहीं जानता कार्बोहाइड्रेट के बारे में, तो आप सिंपल बोल सकते हो उसको, क्या अगर कोई कंपाउंड ये फॉर्मूला फॉलो करे, ठीक है, CXH2Y एंड वर कंसिडर्ड एज अ हाइड्रेट। Y के एक्चुअली यहां पे भी हो जाता है अपने पास, क्या X, ठीक है, तो एंड वर कंसिडर्ड एज अ हाइड्रेट ऑफ कार्बन। ये कार्बन और ये क्या है? H2O, है ना। कार्बन के साथ कौन मिला हुआ है? वाटर। तो वाटर के लिए वर्ड क्या इस्तेमाल होता है? हाइड्रेट्स। वाटर के लिए वर्ड क्या इस्तेमाल होता है? हाइड्रेट्स, ठीक है ना। तो कार्बन के हाइड्रेट्स, कार्बन के हाइड्रेट्स एंड वर कंसिडर्ड एज अ हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। इसीलिए हम लोग इसको कई बार क्या बोल देते हैं? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। फ्रॉम वेयर द नाम, नेम कार्बोहाइड्रेट, नाम एक ही बात है, ठीक है। और क्योंकि कार्बन के हाइड्रेट्स हैं, तो वहीं से नाम बन गया इसका, कार्बोहाइड्रेट। बात समझ में आई? कहां से आया कार्बोहाइड्रेट नाम? कार्बन के हाइड्रेट। वॉश डराइव, या डराइव हुआ। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण दे रहा है, मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। अब अगर हम इसको इस फॉर्मूले में तोड़े, तो देखो ये 6 और 6 बनेगा ना, ये थोड़ा भाई गलत लिख गया, एक्स और एक्स, ये दोनों की वैल्यू सेम होती है, और बीच में क्या है? H2O। तो ये इस फॉर्मूले में फिट बैठता है जर्नली, अगर आप किसी को समझाना चाहें तो। बट ऐसा हमेशा ट्रू नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? एक जनरल फॉर्मूला, शुरुआत में जब खोज हो रही थी, तो ज्यादातर जो हमारे कार्बोहाइड्रेट थे वो इस फॉर्मूले में फिट बैठ जा रहे थे, तो एक जनरल फॉर्मूला बना दिया गया, लेकिन बाद में ये गलत हुआ था। खैर, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है उसको सीधे बता दो, भैया जो इस फॉर्मूले में फिट बैठेगा वो कार्बोहाइड्रेट है, खत्म कहानी। कोई नॉलेज वाला है तो उसको और एक्सप्लेन करो कि भैया ऐसा हमेशा नहीं होता है। क्लियर है? चले आगे। कह रहा है बट ऑल द कंपाउंड्स विच फिट इनटू द फॉर्मूला में नॉट बी क्लासिफाइड एज कार्बोहाइड्रेट। कई बार ऐसा भी होता है कि जिन बहुत से कंपाउंड ऐसे जो इस फॉर्मूले में फिट बैठ जाते हैं, जिनका फॉर्मूला यही आता है, बट वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, एसिटिक एसिड CH3COOH, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। फिट्स इनटू दिस जनरल फॉर्मूला, ये इस फॉर्मूले में फिट बैठ जाता है, C2H2O2, है ना, CXH2OX, बट इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, बट ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ठीक है। सिमिलरली रैमनोज, जिसका फॉर्मूला ये है C6H12O5, ठीक है, ये जो रैमनोज है ये इस फॉर्मूले में फिट नहीं बैठता है, बट ये कार्बोहाइड्रेट है। तो ये थोड़ी सी एडवांस आ गया, शुरुआत में ऐसा था तो ये जनरल फॉर्मूला निकाल दिया गया था, और फिर बाद में कुछ चीजें ऐसे हुई कि ये फॉर्मूला फिर बाद में इनवैलिड हो गया, ठीक है, लेकिन जनरली हम बोल देते हैं आज भी पढ़ने के लिए। अब आगे क्या बोल रहा है, लार्ज नंबर ऑफ देयर रिएक्शंस हैव शोन दैट दे कंटेन स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप। उनकी जो रिएक्शंस है ना, वो ये बताती हैं, लार्ज नंबर ऑफ देयर, उनकी रिएक्शंस हैव शोन दैट दे कंटेन स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप। उनके पास एक खास फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन पाया जाता है इनके पास, और साथ साथ में क्या होते हैं? OH भी होते हैं। तीन टाइप के ग्रुप इनके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। चले आगे, आगे आते हैं, डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो कुछ जनरल बात है, डेफिनेशन जैसे हमारे पास हेडिंग ही थी कि इसकी डेफिनेशन जाननी है। तो केमिकली अगर हम बात करें, द कार्बोहाइड्रेट्स मे बी डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव। ये कैसे होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव? क्या पता है ऑप्टिकली एक्टिव क्या होते हैं?
मैंने शायद समझाया भी है एक बारी ऑप्टिकली एक्टिव क्या होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव देखो, या तो याद कर लेना इसको ऑप्टिकली एक्टिव, अदरवाइज सिर्फ इतना समझो कि अगर कार्बोहाइड्रेट्स को तुम लोग एक बीकर में डाल दो, किसमें डाल दो, बीकर में, और फिर इसके अंदर से एक लाइट लाइट को पास कराओ, और ये लाइट कैसी होगी, ये लाइट हमारे पास होगी प्लेन पोलराइज लाइट। अब ये क्या होती है प्लेन पोलराइज लाइट, ये क्लास 12 की फिजिक्स में पढ़े होगे, छोड़ दो। एक खास तरह की लाइट होती है जिसको हम प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं, ठीक है। वो जब लाइट यहां से पास कराई जाती है तो ये जैसी ही सोल्यूशन से निकलेगी, तो सोल्यूशन से निकलने के बाद ये जो लाइट या तो लेफ्ट रोटेट कर जाएगी, ये बीकर था यहां से निकली इधर को चलो कोई बात नहीं होता है, तो या तो ये इधर से निकलने के बाद इधर लेफ्ट रोटेट कर जाएगी या इससे निकलने के बाद राइट रोटेट कर जाएगी, ठीक है, लेफ्ट या राइट रोटेट कर जाएगी। लेफ्ट रोटेट करती है तो क्या बोलते हैं, लीवो रोटेटरी है कंपाउंड। राइट रोटेट करता है तो क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है कंपाउंड, ठीक है। वो एडवांस लेवल की बातें होगी, डेफिनेशन के हिसाब से याद रखना। ये ऑप्टिक, ऑप्टिक मतलब लाइट होना, ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव है। पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली मतलब कई सारे और हाइड्रोक्सी मतलब OH। अब इसका हम जनरल फॉर्मूला देखेंगे, देखो अगर हो दिख जाए तो ठीक है। हाँ ये देखो, यहां पर एक आगे एग्जांपल कराना मेरे को, ये देख रहे हो पेंटोज, 1 2 3 4 कितने कितने OH ग्रुप लगे हुए हैं, 4 OH ग्रुप लगे हुए हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पॉलीहाइड्रोक्सी, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन, अब इनमें क्या लगा होता है, या तो एल्डिहाइड ग्रुप लगा होगा या कीटोन, ये देखो ये क्या ग्रुप लगा हुआ है, ये ग्रुप समझ पा रहे हो, दिस इज द CHO, ये CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है ना, कैसा ग्रुप है ये, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो इनके अंदर बहुत सारे OH होते हैं, तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होता है, तो इसको हम एल्डोज या कीटोज बोल देते हैं, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, और द कंपाउंड विच प्रोड्यूस सच अ यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस, या तो उनके अंदर ये सब चीजें होंगी या कोई ऐसा कंपाउंड जब उसका क्या हो जाए, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस मतलब जब वो टूटेगा, ब्रेकडाउन करेगा, और ब्रेकडाउन करने पे जो कंपाउंड और उसके अंदर टूट कर, ये एक था टूट कर जो दो कंपाउंड बनेंगे, ये दो कंपाउंड के अंदर ये सारी खासियत हो, तो वो सब क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। क्लियर है यहां तक बातें, ठीक है। अब आगे आते हैं, कुछ और इंफॉर्मेशन लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट विच आर स्वीट इन टेस्ट, देखो कार्बोहाइड्रेट्स कैसे होते हैं, हमको पता है ना, सुगर खाते हैं हम लोग, चीनी खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट है स्वीट, मीठा होता है टेस्ट में, और ऑल्सो कॉल्ड सुगर, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग कई बार सुगर भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, सुगर, ध्यान रखना आपसे, सुगर बोलेंगे मतलब कार्बोहाइड्रेट। द मोस्ट कॉमन सुगर यूज इन अवर होम इज नेम्ड एज सक्रोज, हमारे घरों में जो चीनी आती है ना दानेदार वाली, उसको सक्रोज बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सक्रोज, सक्रोज बोल लो, या टेबल शुगर, जैसे टेबल साल्ट होती है तो टेबल शुगर बोल लेते हैं, तो ध्यान रखना, भूलना नहीं, घर में जो चीनी खाते हैं उसको सक्रोज बोलते हैं। वेयर एज द सक्रोज प्रेजेंट इन मिल्क नोन एज लैक्टोज, जो शुगर मिल्क में मौजूद होता है, यानी कि यूं कह लो जो कार्बोहाइड्रेट मिल्क में मौजूद होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लैक्टोज कहते हैं। बेटा ये बहुत ही बेसिक है, ये तो पता होना चाहिए, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड सैक्राइड्स, एक और नाम आ गया इनका, सैक्राइड्स, ग्रीक में सैक्रॉन का मतलब होता है सुगर, ग्रीक में सैक्रॉन को सुगर कहते हैं, इसलिए इसका नाम क्या बढ़ गया, सैक्राइड्स। तो अब तुम लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है, क्या चीज है, अगर कार्बोहाइड्रेट लिखा आ जाए, अगर सुगर लिखा हुआ आ जाए, अगर सैक्राइड लिखा हुआ आ जाए, सबका मतलब एक है, कंफ्यूज नहीं करोगे, सुगर बोल दिया जाएगा कभी कभी सैक्राइड, कभी कार्बोहाइड्रेट, क्लियर है। आओ आगे देखें क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन देख कर ले इसका, हम लोग तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस का मतलब है जब ये टूटेंगे तो क्या बनाएंगे, जब ये टूटेंगे तो कितने में टूट जाएंगे, या कौन किस किस चीज में टूटेंगे। तो पहला है मोनोसैक्राइड, मोनोसैक्राइड मतलब सिंगल और सैक्राइड मतलब सुगर, अ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर, यानी कि जिसको हम और ना तोड़ पाए, सबसे छोटी यूनिट उसको हम और नहीं तोड़ सकते, वो अब लास्ट है, उससे जुड़ के तो बड़ा बनेगा, और तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तो आखिरी में जो चीज निकलती है उसको मोनो
सैकराइड बोल दिया जाता है, वो अब और नहीं टूटेगा. कैन नॉट, टूटने के लिए वर्ड यहां पे क्या इस्तेमाल हुआ, हाइड्रोलाइज, पानी की हेल्प से ब्रेकअप किया जाता है. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर टू गिव सिंपलर यूनिट, और कोई टूट के और यूनिट ना बनाए. पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन इज कॉल्ड मोनोसैकेराइड. ठीक है ना, सीधा सीधा कह दिया, जिसको हम और नहीं तोड़ सकते, जो और टूटने पर सिंपल यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन ना दे, ठीक है, वो मोनोसैकेराइड होते हैं. अबाउट 20 मोनोसैकेराइड्स आर नोन टू ऑकर इन नेचर, कुदरत में लगभग 20 मोनोसैकेराइड पाए जाते हैं. सम कॉमन एग्जांपल आर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज एटसेट्रा. ये कुछ नाम है, एग्जांपल है ना, क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल पढ़ने हमें, ये इसके तीन नाम है जो तुमको याद करने हैं. आगे आते हैं डाइसैकेराइड. व्हेन टू मॉलिक्यूल ऑफ सिंपल शुगर, क्या कह रहा है, व्हेन टू मॉलिक्यूल ऑफ सिंपल शुगर मोनोसैकेराइड लिंक्ड टू ईच अदर फॉर्म अ डाइसैकेराइड और डबल शुगर. यानी कि जो मोनोसैकेराइड थे, दो मोनोसैकेराइड ले लें और दोनों जुड़ जाएं, तो अब जो कंपाउंड बना उसको क्या कहेंगे, डाई, डाई मतलब दो, टू सैकेराइड. या उल्टा लेके चलें, व्हेन कार्बोहाइड्रेट गिव टू मोनोसैकेराइड ऑन हाइड्रोलिसिस, जब कोई कार्बोहाइड्रेट को हम लोग तोड़ें यानी कि हाइड्रोलाइज करें और वो दो मोनोसैकेराइड दे दे, है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइसैकेराइड कहते हैं. बात समझ में आ गई, जब हाइड्रोलाइज करने पर दो मोनोसैकेराइड निकलेंगे तो उसे डाइसैकेराइड कहेंगे. आगे क्या कह रहा है, द टू मोनोसैकेराइड यूनिट ऑब्टेन ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ द डाइसैकेराइड मे बी सेम और डिफरेंट. कह रहा है जब डाइसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस होगा और जो दो मोनोसैकेराइड निकलेंगे उसके अंदर से, वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वन मॉलिक्यूल ऑफ सक्रोज, सक्रोज जो हमारी टेबल शुगर है, ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज. देखो, ठीक है, सक्रोज जो है हमारे पास, सक्रोज का अगर मैं हाइड्रोलिसिस कर दूं, क्या कर दूं, इसको तोड़ूं, तो इसके अंदर से दो चीजें मिलती हैं, ग्लूकोज और दूसरा क्या मिल रहा है, फ्रक्टोज. ठीक है ना, तो दोनों अलग अलग हैं. वेयर एज माल्टोज गिव्स टू मॉलिक्यूल ऑफ ओनली ग्लूकोज, और अगर मैं माल्टोज को तोड़ता हूं तो ये यहां पर टू मॉलिक्यूल ऑफ क्या दे देगा, ग्लूकोज. यानी कि दोनों के दोनों क्या है, सेम है. तो ध्यान रखना, डाइसैकेराइड टूटने पर सेम मॉलिक्यूल भी दे सकता है, डिफरेंट भी दे सकता है. द डाइसैकेराइड सक्रोज और टेबल शुगर कंसिस्ट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज, स्पेशली फिर से मेंशन कर दिया है. द मोस्ट फेमुलर सोर्सेस ऑफ सक्रोज आर केन शुगर, गन्ने का जूस से ही ज्यादातर बनाया जाता है, तो सबसे ज्यादा इसका जो मेन सोर्स है सक्रोज का क्या है, केन शुगर. मिल्क शुगर, लैक्टोज एंड माल्टोज आर आल्सो डाइसैकेराइड. तो ध्यान रखना, जो मिल्क शुगर हमने देखा, लैक्टोज या माल्टोज, ये भी क्या है, डाइसैकेराइड है. एग्जाम्पल्स हैं तो एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, पूछे जा सकते हैं. ठीक है, चले आगे. नाउ ओलिगोसैकेराइड. ओलिगोसैकेराइड का मतलब क्या है, अब अगर सिंपल सी बात है, कोई कार्बोहाइड्रेट है और उसको मैं क्या करा दूं, हाइड्रोलिसिस करा दूं, और यहां पर दो से लेकर के 10 मोनोसैकेराइड मिल जाएं मेरे को, दो से लेके 10 मोनोसैकेराइड मिले, तो उसको मैं क्या कहता हूं, ओलिगोसैकेराइड. ऐसा कार्बोहाइड्रेट ओलिगोसैकेराइड कहलाता है. तो क्या कह रहा है ये, कार्बोहाइड्रेट दैट यील्ड 2 to 10 मोनोसैकेराइड, जो टूटने पर एक दो से लेकर के 10 मोनोसैकेराइड यूनिट दे दे, वो क्या कहलाएगा, ओलिगोसैकेराइड कहलाएगा. दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज, अब हम इसको और आगे क्लासिफाई कर सकते हैं, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, यानी कि जो चार मोनोसैकेराइड में देगा, जो तीन देगा, जो दो देगा, इस दो वाले को हमने अलग से देख लिया क्योंकि इंपॉर्टेंट था, एटसेट्रा, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड, कितने वो नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड प्रोवाइड करवा रहा है हाइड्रोलिसिस होने पर, टूटने पर, उसके हिसाब से हम इसे डाई, ट्राई या टेट्रासैकेराइड बोल सकते हैं. क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मेनी मोनोमर्स विल प्रोड्यूस ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ टेट्रासैकेराइड, तो टेट्रासैकेराइड जब हाइड्रोलाइज होगा तो 4 मोनोसैकेराइड देगा. अमंगस्ट दीस, इन सबके बीच में, द मोस्ट कॉमन आर डाइसैकेराइड, सबसे ज्यादा कॉमन कौन है, डाइसैकेराइड, इसीलिए इसको अलग से भी क्लासिफाई किया जाता है. नाउ पॉलीसैकेराइड, अब बात समझ में आ गई होगी, 2 से 10 तक ओलिगो, 10 के ऊपर पॉली. जब किसी कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या करें, हाइड्रोलाइज कराएं और वो यील्ड अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड, लार्ज नंबर या मोर देन 10 बोल लो, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या करा रहे हैं, हाइड्रोलाइज, कार्बोहाइड्रेट विच यील्ड अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस होने पर बहुत सारे मोनोसैकेराइड देगा,
तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीसेक्राइड। क्लियर है। सम कॉमन एग्जांपल्स आर स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, गम्स, है ना, ये सब तो जानते हो। स्टार्च प्लांट के अंदर, सेलुलोज प्लांट सेल वॉल में पाया जाता है, ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में पाया जाता है, गम्स पढ़े हमने लास्ट ईयर में, एटसेट्रा। पॉलीसेक्राइड्स आर नॉट स्वीट, ये स्वीट नहीं होते पॉलीसेक्राइड, ध्यान रखना, ये मीठे नहीं होते, हैंस दे आर कॉल्ड नॉन सुगर। अब क्वेश्चन आएगा, गिव द एग्जांपल ऑफ नॉन सुगर वन मार्क्स में या एमसीक्यू में। अगर लास्ट मेरा लेक्चर देख लिया है एग्जिट एग्जाम वाला, तो अलर्ट हो जाओ, ठीक है, चीजें एकदम पकड़ के चलो, ठीक है, क्लियर है, ओके। एक तरीका तो ये हो गया, क्या तरीका था ये, कि कार्बोहाइड्रेट को हम तोड़ें, तोड़ने से यहां पे मतलब क्या, हाइड्रोलाइज, पानी के अंदर हाइड्रोलाइज हो जाएगा, जब तोड़े तो कितने मोनोसैक्राइड देगा उसके आधार पर। दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, कौन रिड्यूसिंग है कौन नॉन रिड्यूसिंग है। तो द कार्बोहाइड्रेट में ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज आइदर, या तो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट विच रिड्यूस फैलिंग सोल्यूशन, फैलिंग सोल्यूशन सुना होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो कोई भी कार्बोहाइड्रेट फैलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस कर देगा एंड टॉलरेंस रीजेंट को, आर रेफर्ड एज रिड्यूसिंग शुगर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है। ऑल मोनोसैक्राइड्स वेदर एल्डोज और कीटोज आर रिड्यूसिंग शुगर, ये एग्जांपल भी आ गए। सारे के सारे मोनोसैक्राइड क्या होते हैं, रिड्यूसिंग होते हैं, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग पता है ना अब, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग, रिड्यूस करने का मतलब है जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, है ना, यानी कि रिड्यूस करने का मतलब है दूसरे से ऑक्सीजन छीन लेगा, और ऑक्सीडेशन मतलब जो दूसरे को ऑक्सीजन दे देता है, ठीक है। आगे आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, कितने कार्बन एटम मौजूद है और कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, उसके आधार पर हम लोगों ने इसे क्लासिफाई किया हुआ है। मोनोसैक्राइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने कार्बन एटम मौजूद हैं एंड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन देम, कौन सा फंक्शनल ग्रुप उनके अंदर मौजूद है। क्या कह रहा है, इफ अ मोनोसैक्राइड कंटेन, अगर एक मोनोसैक्राइड रखता है एल्डिहाइड ग्रुप अपने पास, इट इज नोन एज एल्डोज, जिसके पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है उसको एल्डोज बोलते हैं। एंड इफ इट कंटेन्स अ कीटो ग्रुप, और अगर उसके पास कीटो ग्रुप है, कीटोन है, इट इज कॉल्ड कीटोज। क्लियर। नंबर ऑफ कार्बन एटम कंस्टिट्यूटिंग द मोनोसैक्राइड इज आल्सो इंट्रोड्यूस इन द नेम ऑफ द कंपाउंड एज शोन इन टेबल, कितने कार्बन एटम लगे हैं उसको भी मेंशन किया जाता है। तो आओ देखो जरा, कार्बन एटम अगर तीन है, कार्बन एटम अगर कितने हैं, कार्बन एटम अगर तीन है तो ट्राई, ठीक है, ट्रायोस, चार है तो टेट्रोस, पांच है तो पेंटोस, छह है तो हेक्सोस, सात है तो हेप्टोस, नाम आ गया, जनरल टर्म आ गई है। अब अगर उसमें एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है तो एल्डो आगे लग गया देन ट्रायोस, एल्डो आगे लगा देन टेट्रोस, एल्डो आगे लगा देन पेंटोस, और अगर कीटोन ग्रुप लगा हुआ है तो कीटो आगे लगा देन ट्रायोस, कीटो आगे लगा देन टेट्रोस। तो नाम, कितने कार्बन इसमें लगे हुए हैं, एक तो वो, और कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, एल्डिहाइड या कीटोन, बात समझ में आ गई होगी क्लासिफिकेशन का तरीका, ठीक है, चले आगे, ओके। अब आगे देखते हैं इसमें और क्या है, क्लासिफिकेशन आई थिंक खत्म हो गया। अब हमारे पास आता है केमिकल प्रॉपर्टी, तीसरी हेडिंग। तो केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है जनरली, उसके केमिकल नेचर की बात करते हैं, केमिकली वो है क्या और क्या कर सकता है। तो आओ देख लें जरा इसे फटाफट। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर बेसिकली द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसैक्राइड। तो देखो साफ साफ बोल रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो एक्चुअली मोनोसैक्राइड्स की केमिकल प्रॉपर्टी ही है। क्यों, ऐसा क्यों है, बिकॉज मोनोसैक्राइड्स आर सिंपल शुगर एंड हैव फ्री फंक्शनल ग्रुप। केमिकल प्रॉपर्टी शो करने के लिए उसे रिएक्ट करना पड़ेगा, रिएक्ट करने के लिए कोई ना कोई ग्रुप होना चाहिए उसके अंदर, और जो फ्री फंक्शनल ग्रुप, जब वो पॉलीसेक्राइड बना लेता है तो उसके फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, मर्ज करके एक कंपाउंड बना लेते हैं बड़ा सा, तो वो रिएक्शन करने के काबिल में नहीं, उनके अंदर काबिलियत खत्म हो जाती है, रिएक्ट नहीं करते जल्दी। तो सिंगल शुगर है उसके अंदर जो वो है फंक्शनल ग्रुप है वो कैसे हैं, फ्री हैं। फंक्शनल ग्रुप हैं वो कैसे होते हैं, फ्री होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं बता रहा था ये सिंगल है एक, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप फ्री है ये, है ना, ये OH ग्रुप फ्री है, लेकिन जब ये क्या करेंगे पॉलीसेक्राइड बना लेते हैं तो ये सब कहीं ना कहीं आपस में बंध जाते हैं। देखो अब एक ऐसा है और एक ऐसा है, अब ये बंध गया ये तो जल्दी से रिएक्ट नहीं करेगा, तो इसीलिए ध्यान रखना
अगर वो बोल दे राइट डाउन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, या वो कह दे राइट डाउन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मोनोसैकेराइड, सेम थिंग, क्लियर है? नाउ इसके अंदर तीन चार चीजें हैं, जैसे कि पहली है फर्फ्यूरल फॉर्मेशन, ठीक है? क्या होता है फर्फ्यूरल, आओ समझते हैं। सुगर व्हेन हीटेड विद स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड, अगर हम सुगर को, अब सुगर समझ में आता है ना, कार्बोहाइड्रेट कह लो, सुगर कह लो या सैकेराइड कह लो, इसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक मिनरल एसिड, मिनरल एसिड ध्यान रखना, मिनरल एसिड का ही वर्ड आता है तो इसका मतलब H2SO4, HCl या HNO3, ठीक है ना? अब अगर मैं इसको कंसंट्रेटेड है, वो भी कंसंट्रेटेड H2SO4 या HCl या HNO3 के साथ रिएक्ट कराता हूं, हीट करता हूं, अंडरगो डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मतलब इसके अंदर से पानी के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे एंड लूज थ्री वाटर मॉलिक्यूल, तीन वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं टू फॉर्म, या टू फॉर की जगह यहां लिखेंगे टू फॉर्म फर्फ्यूरल डेरिवेटिव, फर्फ्यूरल या उसके डेरिवेटिव मिल जाएंगे हमको, कैसे आओ देखते हैं। ये देखो पेंटोज है, हीट किया H2SO4 की मौजूदगी में, तीन वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, कैसे कैसे निकल गया आओ देखते हैं जरा, देखो जरा कलर चेंज कर लें व्हाइट के ऊपर ताकि दिख जाए अच्छे से। ये वाला ग्रुप तो एज इट इज का एज इट इज है, ठीक है? अब हुआ क्या, ये H2SO4 है, H2SO4। अब सिंपल समझाने के लिए ताकि इजीली समझ में आ जाए, मैं क्या करता हूं इसके दो H अलग कर लेता हूं, क्लियर है? ये दो H मैंने यहां पर क्या कर लिए, अलग कर लिए यहां पर। अब होगा क्या कि, ठीक है, अब होगा क्या जरा यहां पर गौर से देखना, इसके साथ ये वाला कार्बन लगा हुआ है और इसके साथ और फिर ये वाला, यानी कि ये जो दोनों हैं, समझ में आ रहा है? देखो अब मैं यहां पर इसको करता हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखो ये H और ये OH, इसका O मान लो एक दो, और ये एक दो तीन चार, और ये थोड़ा मैं यहां ले आता हूं H और ये OH। होगा क्या, ये दोनों रिएक्ट करके ना एक वाटर मॉलिक्यूल H2O इस तरह से बाहर निकाल देंगे। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकलेगा तो देखो क्या हो जाएगा, ये H2O यहां से गया और ये डायरेक्ट यहां से क्या कर देगा, बॉन्ड बना लेगा। तो इसी बॉन्ड को अब मैं ऐसे दिखा दूं, C O C C C, है ना? तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया। बाद बाकी क्या होता है, ये दो एच, एक एच यहां आता है, एक एच यहां आ गया और एक एच यहां आ गया, यहां से भी वो क्या निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड ये बना लिया इसने यहां पर, ठीक है, एक डबल बॉन्ड ये बना लिया इसने यहां पर, तो इस तरह डबल बॉन्ड बन जाते हैं। बाकी एक दो तीन चार, ये जो एच है तीन हमारे पास एज इट इज हमारे टिके हुए हैं, क्लियर है? तो ये मैंने थोड़ा स्ट्रक्चर समझा दिया ताकि थोड़ा सा फील आए, मजा आए, अदरवाइज कुछ नहीं, केवल समझना है। यहाँ पे डायरेक्ट लिख के भी आओगे तब भी चलेगा, स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं, लेकिन स्ट्रक्चर सामने रहता है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। अब क्या है, फर्फ्यूरल जो है फर्दर अल्फा नेप्थॉल जो कि ऑलरेडी रिजल्ट में मौजूद होता है उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनता है, एक पर्पल रिंग बनता है। ये हमारे एक खास टाइप की रिएक्शन की शुरुआत होती है, पढ़ेंगे आगे, अभी इसको देखेंगे। अब ये तो हो गया पेंटोज की बात, ठीक है, पेंटोज के बाद देखते हैं यहां पर क्या है, हेक्सोस है हमारे पास, हेक्सोस में हम लोग देख सकते हैं सेम चीज, एक कार्बन एक्स्ट्रा है तो वो एक्स्ट्रा कार्बन यहां लगा हुआ है, पूरा मिलकर के ये स्ट्रक्चर बना लिया। और ये क्या है, 5-hydroxy methyl furfural, ये उसका डेरिवेटिव है, ये फर्फ्यूरल है, ये उसका डेरिवेटिव है। तो इसका बेनिफिट क्या मिला, इसका बेनिफिट हमें ये मिला, दिस इज द बेसिस फॉर द रिएक्शन। अब फर्फ्यूरल बनता है, फिर आगे जाकर क्या है, रिंग बनती है। यहां पे हमको दो टेस्ट करने को मिल जाते हैं, एक मॉलिश टेस्ट है जिसे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, लास्ट टॉपिक है इसी चैप्टर में, ठीक है? तो उसमें कहीं ना कहीं इसे ये सारी बातें वापस से डिस्कस होंगी। एक है सेलिवनॉफ टेस्ट स्पेसिफिक फॉर फ्रक्टोज और टेस्ट फॉर कीटो ग्रुप, ये कीटो ग्रुप के टेस्ट के लिए रहता है, ठीक है? तो ये देख लेंगे जब हमारे पास टेस्ट वाला जो टॉपिक आएगा कार्बोहाइड्रेट के, उनमें इनको डिटेल में कर लेंगे। तो फिलहाल यहां पर सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि ये फर्फ्यूरल बनने की वजह से ही ये कलर, ये रिंग वाला पार्ट आता है, तभी ये हमारे टेस्ट परफॉर्म हो पाते हैं, क्लियर है? नाउ अब आते हैं सेकंड जो इसका केमिकल प्रॉपर्टी है, वो है इनोलाइजेशन या टाउटोमराइजेशन एक्शन ऑफ अल्कली। अल्कली मतलब बेस, अल्कली मतलब बेस। तो कह रहा है व्हेन ग्लूकोज इज कैप्ट इन अल्कलाइन सॉल्यूशन फॉर सेवरल आवर, कई घंटों तक अगर हम ग्लूकोज को अल्कलाइन सॉल्यूशन में रख दें, इट अंडरगोज आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन पता ना क्या होता है बच्चों, आइसोमराइज ये क्या है, एक दो तीन चार पांच, क्या है ये पेंटेन, है ना, फॉर्मूला C5
H12। और ये क्या चीज है, इसका फॉर्मूला भी क्या है, इसका फॉर्मूला भी क्या है, C5H12। सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ये क्या हो जाएगा, 2-methyl-butane, 2-methyl-butane कहा जाता है। तो ये केमिकल फॉर्मूला तो सेम है बट स्ट्रक्चर क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो ये दोनों आपस में क्या कहलाते हैं, आइसोमरिज्म कहलाते हैं। तो वही कह रहा है यहां पर कि जब उसको रख देते हैं उसके अंदर, तो इसके अंदर क्या हो जाता है, आइसोमराइजेशन हो जाता है टू फॉर्म डी फ्रक्टोज एंड डी मैनोज, दो अलग टाइप कंपाउंड बन जाते हैं। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉमन इंटरमीडिएट इन डायोल, एक कॉमन इंटरमीडिएट बन जाता है इन डायोल। आओ देखें जरा, समझते हैं इसको। देखो क्या है हमारे पास, फ्रक्टोज था ठीक है, इसको बेस में रखा, अल्कलीन OH, OH किसको रिप्रेजेंट करता है, बेस को, है ना, बेसिक यानी कि अल्कलीन को। अब हुआ क्या, ये इन डायोल बना। अब देखो दो चीजें हैं यहां पर, अगर तो हुआ क्या है, जरा यहां पे समझ लें, ये देखो ये OH था, ये H है, हुआ क्या है, ये वाला H यहां से निकल करके यहां आके जुड़ गया देखो है, और ये वाला बॉन्ड यहां आ गया, तो डबल बॉन्ड हो गया। तो ये क्या हो गया, दोनों का केमिकल फॉर्मूला तो सेम रहेगा बट स्ट्रक्चर दोनों अलग अलग हो गए, तो क्या बन गया, इन डायोल। अब इन डायोल में क्या है, जरा ध्यान रखना, ये देखो यहां पर OH और ये देखो HH, या फिर यूं कह लें यहां पर एक OH इधर है, एक OH इधर है, यहां पर दोनों OH इस तरफ है, इसका बहुत फर्क पड़ता है। ये कुछ ऐसा ही है कि जब आप मकान चिन रहे हो या ईंट लगा रहे हो, एक के ऊपर एक ईंट ऐसे रखो, भाई ईंट तो दो ही है ना, और एक ईंट ऐसे रख दो, फर्क पड़ जाएगा ठीक है ना, मकान की मजबूती में फर्क पड़ जाएगा। ठीक इसी तरीके से 3D स्ट्रक्चर्स होते हैं, अभी बहुत ज्यादा डिटेल में तुम्हारे पास नहीं, सिर्फ इतना समझो अगर ऐसे ऐसे रखने से, ईंट रखने से फर्क पड़ता है, तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिनमें अगर पोजीशन चेंज हो जाए तो फर्क पड़ता है। तो यहां से हमें डी ग्लूकोज और डी मन्नोज, ये दो अलग अलग चीजें मिल जाती हैं। तो ये क्या हुआ, ये चीज क्या कहलाती है, टॉटोमरिज्म कहलाती है। तो लिख रहा है द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एटम ऑफ वन कार्बन एटम टू अनदर टू प्रोड्यूस इन डायोल इज नोन एज टॉटोमरिज्म। ये जो यहां से यहां एच शिफ्ट हो रहा है बेसिक मीडियम में, यही क्या है, टॉटोमरिज्म है। एच की शिफ्टिंग, हाइड्रोजन की जो शिफ्टिंग हो रही है, यही क्या कहलाती है, टॉटोमरिज्म कहलाती है। आगे आते हैं, इन डायोल आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट एंड फॉर्म द बेसिस फॉर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ सुगर। इन डायोल एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है इनकी, उसके लिए यही लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। तो क्या बेनिफिट मिलने वाला है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का, वो भी देख लें। एग्जांपल जैसे कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में क्या है, इसका बेनेडिक्ट टेस्ट है इसका, ठीक है, और फैलिंग टेस्ट है। तो बेनेडिक्ट टेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जो उसके अंदर क्या हुआ यहां पर, अरे ये जो यहां पर ठीक है, इन डायोल जो बन गए हमारे, इससे हमको क्या बेनिफिट मिला, आओ देखें क्या बेनिफिट मिला। अब हुआ क्या, बेनेडिक्ट टेस्ट क्या कहता है, बेनेडिक्ट टेस्ट हमको बताता है, बेनेडिक्ट टेस्ट इज अ केमिकल टेस्ट, ये केमिकल टेस्ट है डेट कैन बी यूज टू चेक द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग सुगर, क्या कोई सुगर रिड्यूसिंग है या नहीं है, इन अ गिवन एनालाइट, एनालाइट मतलब जो सैंपल होता है। देयरफॉर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कंटेनिंग अ फ्री कीटोन और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कैन बी आइडेंटिफाइड विद दिस टेस्ट। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है जिनके पास फ्री कीटोन या एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, उसको हम इस टेस्ट से कंफर्म कर सकते हैं। कैसे, जरा देखो यहां पर समझते हैं बात को। देखो हमने क्या लिया, कॉपर सल्फेट लिया, कॉपर सल्फेट के बाद ये क्या है, Cu2++, यहां पर क्या है, ये एक्चुअली प्लस और प्लस है, यहां पर क्या है, ये Cu+ और प्लस, प्लस प्लस का मतलब, या Cu2+ का मतलब क्या हो गया, क्यूप्रिक आयन, क्या हो गया, क्यूप्रिक आयन कहां से आया है, बेनेडिक्ट रिएजेंट से आया। अब जैसे ही हम इसके अंदर सुगर डालते हैं, कौन सा रूप, इन डायोल वाला है ना, इन डायोल डाला, इसने Cu2+ को किस में बदल दिया, Cu+ में, यानी कि ये क्या है, क्यूप्रिक, और ये बन गया मेरे पास क्यूप्रस, रिड्यूस कर दिया, ठीक है ना, क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया इसने इसको 2+ से सिंगल प्लस में। हीट करते हैं तो हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं, और फाइनली जो क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है, ये रेड पीपीटी दे देता है, क्या दे देता है, रेड पीपीटी। ये जो रेड प्रेसिपिटेट दिखते हैं हमको, ये कंफर्म कर देता है कि भैया यहां पर सुगर मौजूद है, सुगर होगा तो ही तो वो रिड्यूसिंग होती है, अदरवाइज कोई और तो रिड्यूसिंग है नहीं, तो सुगर होगा तो वो इसको क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, और ये रेड पीपीटी आ रहे हैं। ये तो हो गया कॉपर का केस, मतलब कॉपर सल्फेट, खुद सुगर के साथ क्या हो रहा है,
वो देख लेते हैं। ये तो इसने क्या किया, सुगर ने कॉपर के साथ ये घटना घटी और रेड पीपीटी हमें ऐसा मिल गया। खुद सुगर के साथ क्या हो रहा है, इसके साथ जब सुगर मिलता है, मान लो ये एल्डिहाइड है, ठीक है ना, सी ये एच ओ, ये ग्रुप ऊपर वाला, और नीचे वाले को हमने सिंपल क्या बोल दिया, आर रख दिया। यहां पर होता है ना, पूरी चेन जो थी यहां पर उसको आर कर दिया। इसने क्या किया, जैसे इसके साथ रिएक्ट किया, ये खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, ये किसमें बदल गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ध्यान रखना इस चीज का। और क्या बना फाइनली, कॉपर वन ऑक्साइड ब्रिक रेड पीपीटी, यही वाली चीज। तो ये ऊपर वाली रिएक्शन दिखा रही है कि किस तरीके से बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के कॉपर को इसने कॉपर ऑक्साइड में बदल दिया। ये चीज दिखा रही है कि खुद सुगर के साथ क्या हुआ, वो एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल गया। ठीक है, अब देखो नीचे एक सैंपल दे रखा है मैंने यहां पर, किसी सैंपल में सुगर कितनी है, बहुत ज्यादा होगी तो कलर हमको रेड मिल जाएगा, ठीक है, नहीं होगी तो कॉपर सल्फेट कलर कैसा रहता है, ब्लू का ब्लू रह जाएगा। बहुत थोड़ी सी सुगर, ट्रेसेस ऑफ सुगर होगी तो हल्का सा ग्रीन होगा, थोड़ी सी ज्यादा सुगर होगी तो हल्का सा ऑरेंज मिल जाएगा, बहुत ज्यादा सुगर होगी तो ब्रिक रेड, एकदम ईंट जैसा कलर आ जाएगा। कलर का समझ में आया, ये तीन कलर, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज और पीपीटी बोल रहा हूँ, ब्रिक रेड कलर है, उससे क्या हमें कंक्लूजन निकालना है। क्लियर है, बात समझ में आई, एक तरह से क्या है ये, कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट के लिए हमें हेल्प करते हैं ये। नाउ ऑक्सीडेशन ऑफ सुगर, अब सुगर को ऑक्सीडाइज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये, व्हेन ग्लूकोज ऑक्सीडाइज अंडर द प्रॉपर कंडीशन द सुगर में फॉर्म, जब इसको प्रॉपर कंडीशन में क्या किया जाए, ऑक्सीडाइज कर दिया जाए, है ना, यानी कि इसके अंदर ऑक्सीजन जोड़ी जाएगी, तो ये क्या क्या बना सकता है, मोनोबेसिक एल्डोनिक एसिड, ठीक है, जब इसको हम विद हाइड्रोब्रोमस एसिड के साथ क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, डायबेसिक सैक्रिक एसिड बनाएगा या एल्डेरिक एसिड बनाएगा जब इसे ऑक्सीडेशन विद नाइट्रिक एसिड करेंगे, ठीक है। जो हाइड्रोब्रोमस एसिड होता है ये थोड़ा सा माइल्ड है, मतलब उतना अच्छा स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, और जो ये नाइट्रिक एसिड है हमारे पास ये काफी स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो हुआ क्या आखिरकार, ये देखो सुगर था, क्या था हमारे पास, सुगर था, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल हुआ, तो केवल और केवल क्या हुआ, जो ये ऊपर वाला एल्डिहाइडिक ग्रुप था ये किसमें बदल गया, सी ओ ओ एच में, दिखाई दे रहा है कलर, ठीक है, ये जो ऊपर यहां पे सी एच ओ ग्रुप है ये किसमें बदल गया, सी ओ एच में, स्ट्रॉन्ग का इस्तेमाल किया। तो देखो ये ऊपर वाला तो सी ओ एच में बदला ही बदला, उसने नीचे वाला जो सुगर था उसको भी सी ओ एच में बदल दिया, बोथ द एल्डिहाइड एंड, ठीक है, तो उसको भी क्या कर दिया उसने, नीचे बदल दिया, तो ये बन गया मेरा क्या, एल्डेरिक एसिड, ठीक है ना, और ऊपर वाला क्या हो गया मेरे पास, एल्डोनिक एसिड। तो डिपेंड करेगा कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, उसके हिसाब से वो क्या करेगा, मेरे को प्रोडक्ट देगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है मोनोबेसिक यूरोनिक एसिड। क्या कहना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है कि अगर ऑक्सीडाइज किया जाता है बाय स्पेसिफिक एंजाइम, किसी खास एंजाइम के द्वारा, तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज किसे बदल गया, सी ओ एच, और जो ऊपर वाला जो कार्बन है वो उसमें कोई चेंज नहीं आया, दोनों सेम है, जो नीचे वाला कार्बन था वो किसे बदल गया, सी ओ ओ एच में। तो बिल्कुल ध्यान रखना क्या हो रहा है हमारे पास, एक केस में ऊपर वाला सी ओ एच बदल रहा है, एक केस में दोनों सी ओ ओ एच बदल जा रहे हैं, और एक केस में केवल जो लास्ट वाला छठा वाला वो है कार्बन है वो सी ओ एच में बदल रहा है, और वो केस कौन सा है, यूरोनिक एसिड वाला है, जिसके केस में हमारे पास क्या है, इंजाइम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है बातें, चलें आगे, आओ देखते हैं, रिडक्शन ऑफ सुगर, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन हो गया, अब सुगर का रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब क्या होगा, उसके अंदर से एक ओ को गायब किया जाएगा, आओ देखें जरा। तो बोथ एल्डोज एंड कीटोज मे बी रिड्यूस बाय एंजाइम, इन दोनों को हम लोग एंजाइम के द्वारा रिड्यूस कर सकते हैं टू द कॉरस्पॉन्डिंग पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल। तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल या इसको हम सुगर अल्कोहल भी कहते हैं, जरा बात समझना आप, ये जिन लोगों को समझ में नहीं आया मैं यहाँ स्ट्रक्चर क्लियर कर दूं, ये देखो इसका मतलब क्या है, हमको अच्छे से पता है यहाँ पर क्या लगा हुआ है सी, और एक क्या लगा हुआ है ये एच, जो कि छुपे हुए हैं भाई, जहाँ ज्वाइंट होता है, ज्वाइंट का मतलब सी होता है ना। अब देखो जरा ये एल्डिहाइड ग्रुप था ये किसमें बदल गया, सिंपल ओ एच में, अब कहीं यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है ना, जो सुगर थी सिर्फ और सिर्फ OH, 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 पॉलीहाइड्रोक्सी OH, OH में ही रह गया वो, तो इनको हम लोग इसलिए सुगर अल्कोहल कहते हैं, ऐसे अल्कोहल जो सुगर से बन के आई है,
उनको क्या बोल देते हैं, सुगर अल्कोहल या पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल। ठीक है, ग्लूकोज किसे बदल जाता है, सॉर्बिटॉल में। ये एंजाइम एल्डोज रिडक्टेज यहां पर क्या हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। तो बात करें अगर हम, और द सुगर अल्कोहल फंक्शन मेनली एज इंटरमीडिएट इन द माइनर पाथवे ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। जो छोटे छोटे हमारे पास वो होते हैं ना, जैसे ग्लूकोज है, उसके बाद तुम्हारा फ्रक्टोज है, सक्रोज है, ये जब टूटते हैं छोटे छोटे और फर्दर टूट करके एनर्जी प्रोसेस के अंदर जो बात चल रही होती है, मतलब और टूटेंगे ये, फाइनली इनका मेटाबॉलिज्म होने जा रहा है छोटे कार्बोहाइड्रेट का, तो ये सुगर अल्कोहल बनती है। तो क्या बनती है, ये सुगर अल्कोहल बनेंगे जब छोटे कार्बोहाइड्रेट टूटते हैं। तो आओ देखें जरा, छोटे कार्बोहाइड्रेट टूटने में क्या क्या बन रहा है। ग्लूकोज टूट रहा है तो सॉर्बिटॉल, मन्नोज टूट रहा है तो मैनिटॉल, फ्रक्टोज टूट रहा है तो सॉर्बिटॉल, ग्लूकोज गैलेक्टोज टूट रहा है तो डल्सिटॉल, राइबोज टूट रहा है तो रिबिटॉल। तो किस सुगर के टूटने पर कौन सा सुगर अल्कोहल बन रहा है, ठीक है, ये उसकी लिस्ट है यहां पर। बात समझ में आ गई, क्लियर है, आगे आते हैं। नाउ द इंपॉर्टेंट वन इज ओसाजोन फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट है, इसको ज्यादा ध्यान से समझना। ओसाजोन क्या होता है, ऑल रिड्यूसिंग सुगर गिव दिस टेस्ट पॉजिटिव, जितना भी रिड्यूसिंग सुगर होगा वो इस टेस्ट को पॉजिटिव करेंगे, यानी कि देंगे ही देंगे। द प्रेजेंस ऑफ फ्री कार्बोनिल ग्रुप, जो फ्री कार्बोनिल ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप, इस ग्रुप को क्या बोला जाता है, कार्बोनिल ग्रुप बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, कार्बोनिल ग्रुप, शायद पढ़ा होगा कभी इस टाइप से। ये कौन सा ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है ना। अब यहां पर अगर एक तरफ सी एक तरफ एच लग जाएगा तो एल्डिहाइड, और दोनों तरफ सी लग जाएंगे तो कीटोन, डिपेंड करेगा कि क्या लग रहा है, क्लियर है। द प्रेजेंस ऑफ फ्री कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड और कीटोन इन द मॉलिक्यूल इज एसेंशियल फॉर द ओसाजोन फॉर्मेशन। अगर फ्री कार्बोनिल ग्रुप सी ओ याला ग्रुप मौजूद नहीं होगा तो ओसाजोन का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्लियर। ओसाजोन आर येल्लो क्रिस्टल, कैसे होते हैं ये, येल्लो क्रिस्टल होते हैं, डेरिवेटिव ऑफ रिड्यूसिंग सुगर, सुगर से ही बनते हैं ये, विद फिनाइल हाइड्रोजन एंड हैव कैरेक्टरिस्टिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। किससे बनते हैं ये, रिड्यूसिंग सुगर से, किससे जब ट्रीट कराते हैं हम लोग, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ जब इसको हम लोग रिएक्ट करा देते हैं, ठीक है। देखें जरा इसका मैंने लिखा, हाँ ये रहा, देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर भी है इसका, तो समझते हुए चलते हैं साथ साथ में। तो देखो जरा क्या है, ये सुगर है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, सुगर है, ये देखो C6, अगर ये दिख नहीं रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूँ, स्ट्रक्चर क्लियर हुआ कुछ, ये लिखा हुआ है C6H5NH2, ठीक है, यहां पे H लगाना भूल गया, रुको, C6H5NH2। कई बार तो तुमको ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा, और कई बार ये जो ये क्या है, बेंजीन है, तो कई बार तुमको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा NH2 और NH। तो कंफ्यूज नहीं होना कि ऐसे लिखें कि ऐसे लिखें, जैसे मैंने वैसा लिखो, ठीक है। तो कई बार ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, कई बार ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। तो मैं बता रहा था इसमें देखो होता क्या है, ये जो फिनाइल हाइड्रोजन है ये पहले इस कार्बन पे हिट करेगा, ये बना लेगा, फिर एक और मॉलिक्यूल फिनाइल हाइड्रोजन का इस वाले कार्बन पे हिट करेगा, और अल्टीमेटली क्या बन जाता है मेरे पास, ये देखो ये बन गया, ये क्या बना, ओसाजोन। ऊपर के दो कार्बन पर ही अटैक करता है ये फिनाइल हाइड्रोजन, जो ऊपर के दो कार्बन है उन पर अटैक करेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसका क्या होने वाला, अभी आगे बात करते हैं, थोड़ा छोटा कर लें इसको अब, हाँ कहां थे हम लोग, यहां पर थे। तो क्या बोल रहा है ये, फिनाइल हाइड्रोजन, अब समझ में आया, फिनाइल हाइड्रोजन और सुगर ये दोनों मिल करके क्या बना रहे हैं, ओसाजोन बना रहे हैं। ये जो ओसाजोन है ना, ये क्रिस्टल के रूप में होते हैं, किसके रूप में होते हैं, क्रिस्टल, क्रिस्टल मतलब जो सॉलिड चीज होती है, वो उसका रूप दिखाऊंगा मैं अभी तुम लोगों को, फिलहाल इसको हम यहाँ पे पहले पढ़ के खत्म करते हैं। तो क्या कह रहा है, फिनाइल हाइड्रोजन एंड हैव अ कैरेक्टरिस्टिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और उनके कुछ खास क्रिस्टल स्ट्रक्चर आ जाते हैं, विच कैन बी यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ डिफरेंट सुगर। इन क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को देख करके, कैसा स्ट्रक्चर आया है क्रिस्टल का, उसको देख करके हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जान सकते हैं और कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि कौन सी सुगर है, ठीक है।
और उनकी जो प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कैरेक्टराइज कर सकते हैं। क्लियर है? इन ओसाजन फॉर्मेशन ओनली फर्स्ट टू कार्बन आर इन्वॉल्व्ड, यही बात मैं बता रहा था, केवल जो स्टार्टिंग के दो कार्बन है वही क्या होते हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्व इन रिएक्शन। देयरफॉर ग्लूकोज फ्रक्टोज एंड मन्नोज गिव द सेम टाइप ऑफ ओसाजोन एज दे आर आइडेंटिकल विद रिस्पेक्ट टू लोअर फोर कार्बन, नीचे के जो चार कार्बन। अब देखो ये तीन की जो बात करी उसमें ऊपर के तो रिएक्ट होने के बाद ये क्या है, ग्लूकोज है, देखो जरा यहां बताऊं मैं जो कहना चाह रहा है लाइन, नीचे क्या फ्रक्टोज है, यहां कीटोन, यहां एल्डिहाइड, बट हुआ क्या, ऊपर के दो कार्बन रिएक्ट करे यहां पर, ऊपर के दो कार्बन रिएक्ट करे यहां पर, तो ये तो सेम हो गया ऊपर, नीचे का जो पूरा स्ट्रक्चर था HOH, तो नीचे की जो बॉडी है वो पूरी सेम है, ऊपर डिफरेंस था, लेकिन जब फिनाइल हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया तो ऊपर का पार्ट भी सेम हो गया, तो नीचे का पार्ट दोनों का सेम था, ऊपर का भी सेम हो गया, तो दोनों क्या करते हैं एक जैसे ओसाजोन बना लेते हैं, कोई अंतर ही नहीं रहा ना इसमें ना उसमें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सेम बना, ठीक है। तो यही लाइन कह रहा है वो कि ग्लूकोज, ध्यान रखना, फ्रक्टोज एंड मन्नोज गिव द सेम टाइप ऑफ ओसाजोन, एक ही टाइप के ओसाजोन देते हैं एज दे आर आइडेंटिकल विद रिस्पेक्ट टू लोअर फोर कार्बन, इनके जो नीचे के चार कार्बन है वो क्या है, जब ओसाजोन बन जाता है तो देखो जरा इस स्ट्रक्चर को गौर से देखो, इस स्ट्रक्चर को गौर से देखो, बिल्कुल सेम, इसीलिए इनका ओसाजोन भी सेम रहता है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, चलें आगे, मजा आ रहा है ना, मजा आना चाहिए, गुड। कुल में सर मजा नहीं आ रहा, याद कैसे करेंगे, याद तो बेटा तुमको ही करना है, ठीक है, समझाना हमारा काम है, कोई चीज कैसे क्लियर होना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना एक अलग बात है, फिर वो दिमाग में रहे एक महीना दो महीने साल भर के लिए, उसके लिए आप ही लोगों को रिवाइज करना है, ठीक है ना। टीचर का मेन काम होता है कोई सब्जेक्ट आपके लिए सरल हो जाए, अब वो लंबे समय तक दिमाग में रहेगा उसके लिए आप लोगों को रिवीजन करना पड़ता है, ठीक है। आगे आते हैं, तो ओसाजोन फॉर्मेशन को हम लोगों ने यहाँ डिस्कस कर लिया है, थोड़ा छोटा कर लें आप ना, अब क्या कह रहा है, नॉन रिड्यूसिंग सुगर लाइक सक्रोज कैनॉट फॉर्म ओसाजोन, जो नॉन रिड्यूसिंग है अब यहाँ पर रिड्यूस होगा ही नहीं तो वो ओसाजोन बनाएगा ही नहीं, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री कार्बोनिल ग्रुप, उसके पास कार्बोनिल ग्रुप फ्री नहीं होता है, ठीक है, बंधा हुआ रहता है, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं है, जब सक्रोज का स्ट्रक्चर देखना, जैसे यहाँ पर ये OF फ्री दिख रहा है और यहाँ पर ये फ्री दिख रहा है, ऐसा फ्री नहीं मिलेगा, बंधा हुआ होता है वो, ठीक है ना, किसी दूसरे के साथ बॉन्डिंग हो रखी होती है, इसकी वजह से वो ओसाजोन नहीं बनाते हैं। अब द ओसाजोन क्रिस्टल ऑफ सम सुगर, अब ये जस्ट समझने के लिए और मजा आएगा, ओसाजोन के क्रिस्टल ना तीन टाइप के होते हैं, निडल शेप देख रहे हो, ये निडल शेप ना सुई जैसे हैं, ये किस किस का है, ये ग्लूकोज का है, फ्रक्टोज का और मन्नोज का है, तो उसको ग्लूकोसाजोन, फ्रक्टोसाजोन और मन्नोसाजोन का जो ओसाजोन का क्रिस्टल का शेप होता है वो कैसा है, निडल शेप है। सनफ्लावर देख रहे हो, फूल जैसे, ये सनफ्लावर का फूल है ये ना, ये ऐसे 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 करके ये है, तो सनफ्लावर के फूल जैसा है, सनफ्लावर पेटल शेप, ठीक है, उसकी जो पंखुड़ियाँ होती पीली वाली, क्या है, माल्टोस का, माल्टोसाजोन, जो माल्टोस बनाएगा ओसाजोन उसको माल्टोसाजोन कहेंगे, उसका कुछ ऐसा शेप निकल के आएगा। अब आता है पाउडर पफ ऑफ टेनिस बॉल शेप, एग्जाम्पल लैक्टोसाजोन, जो लैक्टोस होगा टेनिस बॉल के ऊपर की, जो तुमने वो देखी ना हरी कलर की, उसके ऊपर जो खाल होती है टेनिस बॉल के ऊपर, वो कुछ ऐसी नजर आती है, देख रहे हो, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा पाउडर पफ ऑफ टेनिस बॉल, टेनिस बॉल का अगर पाउडर की तरह कर लिया हम लोग तो कुछ ऐसा हो जाएगा, क्लियर है बातें, ठीक है। तो यही था हमारा चैप्टर का पहला लेक्चर, ठीक है, काफी सारी बातें थी, टू द पॉइंट रहे हैं, बिल्कुल भी इस लेक्चर में दायमाएं नहीं हुए हैं, क्योंकि अब मैं तुम लोगों को थोड़ा सा जो बातें पहले नहीं समझा पा रहा था, स्कोप जो है ना बेटा, हर किसी चैप्टर छह सब्जेक्ट हैं, छह सब्जेक्ट में जो पहला चैप्टर है उसमें स्कोप और जनरल बातें हैं, उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जनरल बातें डिफाइंड नहीं है कि उन जनरल बातों में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी है, ठीक है। जैसे जनरल फार्माकोलॉजी, उसमें जनरल बोल दिया लेकिन बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है उसके अंदर, तो मजबूरी में तीन लेक्चर बनाने पड़े उसके मेरे को, ठीक है ना, तो बिल्कुल परेशान ना हो, जो पहले पहले चैप्टर हैं सभी सब्जेक्ट के वो लेंदी होंगे थोड़ा सा, वो तुम लोगों को लग सकता है कि सर क्या पढ़ा रहे हैं पता नहीं क्या, लेकिन मैं उनको इस हिसाब से पढ़ा के चल रहा हूँ जनरल बातें, कि कोई भी चीज छूट ना जाए। उसके बाद जैसे ही जैसे सेकंड चैप्टर किसी का भी उठा के देख लो, टू द पॉइंट बातें लिखी हुई है, तो हम टू द पॉइंट ही चलेंगे, इस लेक्चर से दिख गया होगा, एक चीज भटक के नहीं चले, सारी बातें टू द पॉइंट चली हमारी, क्लियर है ना। तो क्या करना है हमको, टू द पॉइंट ही रहना है, सिर्फ पहले चैप्टर को छोड़ के उसमें थोड़ी बातें एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, बाकी सभी चैप्टर्स में हर सब्जेक्ट के टू द पॉइंट रहेंगे और बढ़िया करेंगे और टाइम से कोर्स भी खत्म करेंगे। और रिवीजन बच्चों, फिर कह रहा हूं मैं, जो रिवाइज करेगा वही फोड़ेगा, ठीक है ना, उसी को डरने लगेगा,
और अब मेरी उन बच्चों से पर्सनल रिक्वेस्ट है जो बच्चे कम पढ़ते हैं या जो बच्चों का मीडियम हिंदी है, इंग्लिश बिल्कुल समझ में नहीं आती है, प्लीज़ अब थोड़ी सी मेहनत करना स्टार्ट कर दो। अगर मेरा एग्जिट एग्जाम वाला लेक्चर टॉप देख लिया है तो उसमें क्लियर कट मेंशन है कि पेपर आप लोगों का इंग्लिश में होगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर वो लोग बाद में आगे चल के हिंदी कर दिया तो ठीक है, अदरवाइज दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो मेहनत करें, कोशिश करें, ठीक है। मैं भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी बहुत जल्दी कोशिश कर रहा हूँ मैं कि जल्दी तुम लोगों से लाइव इंटरेक्ट हो पाऊँ। उसके लिए पूरा प्रोसेस चल रही है, अभी सब कुछ ठीक रहा तो जल्दी तुम लोगों से लाइव इंटरेक्ट भी करूँगा मैं, ठीक है ना। लेक्चर्स वगैरह लाइव लेने की कोशिश करूँगा, जितना अपनी तरफ से हो पा रहा कोशिश कर रहा हूँ। फिलहाल मेरा मेन टारगेट ये है कि मैं दिसंबर तक हर हालत में कोर्स को खत्म करा पाऊँ, जिससे कि तुम लोगों को एग्जिट एग्जाम से लेकर हर एक चीज़ की बढ़िया तैयारी मिले तुम लोगों को, ठीक है ना। बट एक चीज पक्का करोगे, रिवीजन करोगे, ठीक है ना। बिना रिवीजन के कुछ नहीं होने वाला, ना मैं कुछ कर पाऊंगा ना दुनिया का कोई टीचर कर पाएगा। रिवीजन तुम्हारी हाथ की बात है, तो ये की बात बहुत कायदे से ध्यान रखो, इवन खुद भी, और अगर तुम्हारे छोटे भाई बहन भी है ना तो उनको भी समझाओ। पढ़ाई का जो मेन वो है गाइडेंस और क्या पढ़ना, ये टीचर बताता है, करना तुमको ही है, ठीक है ना। यानी कि रोल जो टीचर का है वो केवल देखा जाए तो 20% है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और टॉपिक को किस तरह आसान बना दे। लेकिन जो टॉपिक अगर आसान भी हो गया है, उसको अगर तुम रिवाइज नहीं कर रहे हो तो वही टॉपिक तुमको टफ लगेगा, दिक्कत देगा। क्लियर है बातें? तो मेहनत बेटा तुम ही लोगों की है, तुम लोगों को ही करना है और पढ़ना है, और सब कुछ आसान हो जाएगा। एक चीज फॉलो कर लो, रिवीजन। तो रिवीजन, रिवीजन और रिवीजन। ओके, ऑल द बेस्ट।